मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं आप लोग के साथ में ना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, सिंपल सा संडे ब्लॉग। संडे के दिन मैं क्या क्या करती हूँ, और मॉर्निंग तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। बट तो यहाँ पे आज भी मैं बना रही हूँ, चिली पनीर की तैयारी कर रही हूँ। संडे रहता है और हम लोग सब आराम से उठते हैं, और मैं कुछ स्पेशल बनाती हूँ संडे के दिन। तो आज चिली पनीर और फ्राइड राइस बनाऊंगी। तो यहाँ पे हम चिली मतलब पनीर को डीप फ्राई कर रहे हैं, और उसके बाद में इधर मैं नाश्ते की भी तैयारी कर रही हूँ साथ साथ में। तो चले देखते हैं कि आज का ब्लॉग कैसा जाता है और आप लोग तक पहुँचता है कि नहीं पहुँचता, क्योंकि बहुत सारी ब्लॉगिंग हुई है और कुछ बहुत सारी नई भी हो पाती है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कि शेयर क्या चीज़ हो पाती है। तो अब चलो आगे मिलते हैं। आज बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा कुछ नया भी आप लोगों के साथ आज मुझे शेयर करना है। तो चलिए मिलते हैं फिर बाद में। तो अभी यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ और साथ साथ नाश्ता भी बना रही हूँ। तो नाश्ते में सिर्फ सिंपल सा उपमा, जो सूजी का रवे का हम उपमा बनाते हैं, वही बना रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लंच बहुत हैवी होने वाला है। तो यस, यहाँ पे मैं इसे रोस्ट कर रही हूँ, वेजेस इसमें डल गए हैं और चाय भी बन रही है। चलिए अब हम कर रहे हैं यहाँ पे फ्राइड राइस की तैयारी। तो मैंने एक बर्तन में पानी रख दिया था जो थोड़ा गर्म हो गया था, उसमें नमक और घी डाल के, और अब मैं उसके अंदर चावल डाल रही हूँ। आप देख सकते हो एक गैस पे ऑलरेडी कुकर चढ़ा हुआ है जिसमें खाना का खाना बन रहा है, और एक गैस पे नाश्ता रखा हुआ है गर्म करके। तो जैसे जैसे सब लोग आएंगे वैसे वैसे नाश्ता उन्हें सर्व किया जाएगा। तो आप देख रहे हो संडे का रूटीन किस तरीके से होता है, काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है, और बस यही सारी चीज़ें चल रही हैं। और अब मैं यहाँ पे अपने लिए नाश्ता ले रही हूँ। मैंने सोचा जब तक ये सारी चीज़ें हो रही हैं तब तक मैं नाश्ता कर लूँ और फ्री हो जाऊँ नाश्ता करके, ताकि फिर बाकी के सारे काम चलते रहेंगे। दोस्तों अब मैं यहाँ पे अपने चिली पनीर बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और उसके लिए मैंने ये सब सॉस वगैरह लेकर आ गए हैं। और बीच बीच में मैं इसमें आती जाती रहूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली हम सब लोग रहते हैं संडे घर में, तो बातें और सब चलती रहती है। मैं इधर किचन से ही बातें करती रहती हूँ सबसे। तो ये मैंने सारे वेजेस काट लिए थे, शिमला मिर्ची और अनियन काट लिया था, इसे डाइस इसमें मैंने काट लिया था। तो यहाँ पे मेरा ऑयल गरम हो रहा है, सॉरी फॉर द वॉइस, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब चल रहा है। तो मेरा जब तक ये ऑयल अच्छे तरीके से गरम हो रहा था, हीट हो रहा था, इसलिए मैं इधर उधर घूम रही थी। तो यहाँ पे ऑयल गरम हो रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा लंच बन करके रेडी है, बहुत ही यम्मी लग रहा है, और ट्रस्ट मानिए, यकीन मानिए, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो या यहाँ पे फ्राइड राइस मैं बना मतलब लास्ट उनको जो देना है वो लास्ट दे रही हूँ, और बस यस
यहाँ पे मेरा बन करके रेडी है लंच, और ये है मेरे फ्राइड राइस और चिली पनीर। यम्मी। सो लंच के पहले आपके लिए एक छोटा सा एंटरटेनमेंट हमारे काना की तरफ से। काना काफी एंजॉय करता है अपने ढोल को, तो अब आप सुनो उसको। वाह यार, चश्मे वाले ढोल वाले भैया हो। हाँ बजाओ गाना, बजाओ ढोल। काना इधर देखो, काना अरे इधर से सुनो। किसके किसके कहा था संडे और बहुत बिजी दिन है, तो मतलब काम चल ही रहा है। अभी शाम हो गई है और मैंने काना के लिए खाना प्रिपेयर कर लिया है ऑलमोस्ट। तो बस अभी एक शादी हो चुकी है मेरे मायके में और सेकंड शादी की प्रिपरेशन चल रही है, तो बस मैं वही कुछ सामान निकालती हूँ। आप देख रहे हो कि पूरा कमरा कैसा मैस हुआ पड़ा है। काना को काफी मजा आ रहा है क्योंकि इतना सारा फैला रहा है ना, तो भाई बच्चों को तो मतलब मजा ही आ जाता है। तो बस यही कर रहे हैं कि अब कहाँ से कौन सा सामान निकालना है, कौन से कपड़े निकालना है, क्या पहनना है, उन्हें तैयार करवाना है। तो मतलब बस अब यही लगा पड़ा है। बैंड बज रही है यार, संडे का दिन तो ऐसा रहा है जैसे कि मतलब हद से ज्यादा बिजी। संडे के दिन लोग आराम करते हैं लेकिन आज हमारा तो कोई आराम ही नहीं हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो कि कितना सारे कपड़े कपड़े कपड़े, कभी खत्म ही नहीं होने वाली चीजें हैं ये। तो यहाँ से मैं निकाल रही हूँ मेरा लहंगा जो मुझे पहनना है। तो वो कहाँ है, ढूंढ रहे हैं हम अभी। इसमें है मेरा लहंगा जो मुझे पहनना है। आप लोग को एक अपडेट दे दूं मैं कि एक और शादी मैंने अटेंड करी है जिसका व्लॉग भी बना हुआ है, लेकिन एज यूजुअल कि मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ। और या तो ये है मेरा लहंगा, ये बहुत ही थ्रिफ्टी वाला लहंगा है मेरा, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये मैंने पहना था अपनी एंगेजमेंट पर। तो थोड़ा कैमरा पास में लाओ और इसे दिखाओ इसकी खूबसूरती को। तो गाइस ये मुझे बहुत ज्यादा प्रिटी लगता है और ये मैंने अपनी एंगेजमेंट पे पहना था, जिसके बाद मैं अब पहनने वाली हूँ। तो बस इसी को देखना है कि ये अभी तक मैंने इसे बहुत प्यार से रखा, आप देखो कितना वैसा का वैसे एज इट इज रखा हुआ है अभी तक। और बस इसी को सारा चीजें देखने की अभी मुझे फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसमें कुछ ऑल्टरेशन की जरूरत है क्या, ये सारी चीजें। बिना रात हो गई है और रात की मतलब मैं डिनर वगैरह अपना कर कर आ चुकी हूँ, लेकिन काम जो है ना वो ख़त्म होने का जैसे नाम ही नहीं ले रहा है। पूरा कमरा मैस हुआ पड़ा है एज यू कैन सी, यहाँ पे इतने सारे चेयर पे कपड़े हैं और इधर भी कुछ कपड़े हैं, यहाँ नीचे भी। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ पे भी कपड़े हैं, ये है ये है, मतलब ना कि चीज़ें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरा तो पूरा आजकल जो संडे था ना वो पूरा बर्बाद ही रहा है, पता नहीं कब पूरा ख़त्म होगा। बस मैंने एटलीस्ट ये बेड ठीक कर लिया है, काफ़ी क्लीन कर दिया है, बेडशीट चेंज कर दी है और पिलो कवर चेंज नहीं किए, तो मतलब जज मत करना कि पिलो कवर तो चेंज ही नहीं करे। तो एनीवेज
तो इतनी चीज तो मैं कर चुकी हूँ, लेकिन अब देखो अगेन वहां पे भी चेयर पे कपड़े हैं, और उधर वो ड्रॉर है जो स्टूल वाला, उस पर इतना सारा मैस हुआ पड़ा है, और इन सब को मुझे अभी फिक्स करना ही है, मतलब करना ही है, और पूरा कमरा अच्छे तरीके से क्लीन करना है, क्योंकि मंडे से पूरा शेड्यूल स्टार्ट हो जाता है, तो नहीं हो सकता फिर उस समय। और अपने आप को भी कल मंडे से अपने आप को ग्रूम करना है, यूट्यूब के नए वीडियोस, नए कंटेंट पूरे बनाने हैं, वापस से बैक, मतलब बैक टू डो यूट्यूब होना है मुझे, क्योंकि बहुत बहुत गैप होता है मेरा, इसलिए मेरा यस ऑफ कोर्स इसलिए मेरी जो प्रोग्रेस होती है वो स्लो हो जाती है, बट ठीक है यार, एक हाउस वाइफ हूँ, मदर हूँ, और बेबी छोटा है, और बहुत सारे काम हैं, और ये वाइट बाल, ग्रे हेयर्स दिख रहे हैं, ओह माय गॉड, मतलब अपने आप को ग्रूम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। तो कल मैं उन सारी चीज़ों में अपना टाइम लगाने वाली हूँ, इसलिए आज ये पूरा रूम, पूरा जितना मैस हुआ पड़ा है, इस सब को फिक्स करना ज़रूरी है, तो चलो आप ही मेरे साथ करो। ऑफकोर्स आप सब लोग रिलेट कर पाओगे ये सारी चीज़ों से, कि एक हाउस वाइफ का रूटीन क्या होता है, हमें कितनी सारी चीज़ें करनी होती है, और उसके लिए खुद के लिए टाइम निकालना, ये सब कुछ। सो चलो आ जाओ मेरे साथ साथ काम करने के लिए आप भी। फाइनली गाइज रात के 10 बज रहे हैं, और अब जाके मेरा रूम पूरा क्लीन हुआ है, सो बहुत ज़्यादा रिलैक्स लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो मैं कुछ रिलैक्सेशन के लिए लेकर आई हूँ अपने साथ, में छोटा सा कैंडल है मेरे पास में सेंटेड, सो मैंने सोचा चलो इसका यूज़ करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिफ्रेश लग रहा है आज का, मतलब पूरा दिन का सिनारियो के बाद में पूरी सफाई अच्छे से हो गई, और रूम में जब सफाई हो जाती है ना तो रहने में एक बहुत ही मज़ा आता है, आप सब समझ सकते हो उस चीज़ को, राइट। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं अपना रूम दिखाती हूँ, कितना क्लीन कर चुकी हूँ मैं, ये पूरा क्लीन है, ये पूरा क्लीन है, और काना, काना रूम में आ गया है। काना क्या कर रहे हो, काना क्या खा रहा है, बिस्किट खा रहा है, दिखा दो बिस्किट, कौन सा बिस्किट खा रहे हो, दिखाओ अपने हाथ, कोकोनट, तो अपने हाथ में तो दिखाओ ये, अरे ये तो तू सही बिस्किट है, वो बड़ा वाला तो दिखाओ उस हाथ का ये। तो काना आ गया और अपना बिस्किट खा रहा है, क्योंकि मम्मा ने पूरा रूम अच्छे से क्लीन कर दिया है ना, काना क्लीन हो गया क्या रूम, हाँ क्लीन हो गया, अब तो काना ने भी बता दिया आप लोगों को। तो चलिए हम हमारा कैंडल को जलाएंगे, तो काना दूर रहना इससे, बच्चों को बोलते हैं ना ताता है, तो काना ताता है, गरम गरम चीज है ना, दूर। सो गाइस आज का व्लॉग यही करती हूँ मैं ख़त्म, और आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे और यूज़फुल तो पता नहीं, लेकिन अगर आपने थोड़ा भी रिलेट किया हो अपने आप को मेरी सिचुएशन से, कि हाँ एक हाउस वाइफ की, एक मदर की यही सिचुएशन होती है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अब मैं मिलूँगी आपसे थोड़ा सा ग्रूम होके अगले वीडियो में, अपनी हालत को सुधार करके, तब तक लिए टेक केयर, टिल देन गुड नाइट एंड बाय बाय।